तो हे गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास है दो बहुत ही बड़े ब्रांड की पेंसिल्स। फर्स्ट है अप्सरा प्लेटिनम एंड सेकंड है डॉम जूम। ये दोनों भी पेंसिल काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, तो इन दोनों पेंसिल को आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि बेस्ट पेंसिल कौन सी है, जिसे हम 3 राउंड में कंपेरिजन करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में हम राइटिंग टेस्ट करेंगे, सेकंड राउंड में हम स्मूथनेस टेस्ट करेंगे एंड थर्ड राउंड में हम डार्कनेस टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को कंपैरिजन करने से पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यह है मेरे पास अप्सरा प्लेटिनम पेंसिल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है फॉर गुड हैंड राइटिंग। चलिए इसकी MRP देख लेते हैं। MRP आप देख सकते हो 60 रुपीज़ इसकी MRP है। यहाँ से हम करेंगे इसको ओपन एंड फर्स्ट मिलता आपको एक ग्रीपो इरेजर मिलता है 5 रुपीज़ MRP एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता आपको अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट शार्पनर 5 रुपीज़ MRP। ये शार्पनर भी काफ़ी बढ़िया आता है, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको इसमें मिलती है टोटल 10 यूनिट्स पेंसिल मिलती है, काफ़ी बढ़िया ये पेंसिल है, इसीलिए आज हमने इसे कंपेरिजन के लिए चूज किया है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास डॉम्स जूम पेंसिल, जो आपको अल्टीमेट डार्क मिलता है, HB2 इसकी लीड है एंड ट्राइंगल शेप में ये पेंसिल है। इसकी MRP की बात करो तो MRP आप देख सकते हो 60 रुपीज़ इसकी भी MRP है। तो MRP तो आप देख सकते हो दोनों की सेम है। अब इसको करेंगे हम यहाँ से ओपन एंड आपको फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है एक ट्राइंगल शेप में इरेजर एंड ये इरेजर डस्ट फ्री के साथ ट्राइंगल शेप में मिलता है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको एक शार्पनर मिलता है, आपको ट्रांसपेरेंट शार्पनर मिलेगा 5 रुपीज़ MRP। एंड इस शार्पनर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये पेंसिल काफ़ी बढ़िया तरीके से शार्प तो करता है लेकिन काफ़ी स्पीडली शार्प करता है। एंड आपको इसमें मिलती है टोटल 10 यूनिट्स पेंसिल और वाव आप देख सकते हो कितने बढ़िया कलर में ये पेंसिल है। 3 कलर में अवेलेबल है ये आपको, पिंक है एंड स्काई ब्लू और वॉयलेट, 3 कलर में ये पेंसिल मिलती है। तो लुक वाइज मुझे तो डॉम्स पसंद आया एंड अब MRP तो दोनों की सेम है। तो अब हम करेंगे इनको कंपैरिजन और देखेंगे कौन है इस पेंसिल में विनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेंसिल को हम पहले शार्प कर लेते हैं। दोनों भी पेंसिल को हमने शार्प कर लिए, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से शार्प हुई है। अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट है एंड डॉम्स का मीडियम साइज देखने को मिलता है, लेकिन दोनों भी बढ़िया तरीके से शार्प हुए हैं। अब हम ले लेंगे एक टेस्ट पेपर जिससे कि हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों पेंसिल में से विनर कौन सा है, डॉम्स या अप्सरा। तो स्टार्ट करते हैं हम अप्सरा से। ये अप्सरा प्लेटिनम पेंसिल, फर्स्ट राउंड हम करेंगे राइटिंग टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्सरा प्लेटिनम। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ हंसना मत। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट पेंसिल कौन सी है। तो अब मैं राइटिंग कर रहा हूँ डॉम्स से, तो डॉम्स जूम, डॉम्स अब लिखेंगे जूम। तो राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करो तो मुझे पर्सनली डॉम्स पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको ट्राइंगल शेप मिलता है, इससे आपको काफ़ी इजी होता है राइटिंग करने में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पर्सनली। अब मैं हम यहाँ पे स्मूथनेस भी टेस्ट करने वाला हूँ, जिससे कि हम 5-15 टाइम्स कुछ पैटर्न बनाएंगे, जिससे अगर आप जब ज़्यादा राइटिंग करते हो ना तो आपकी राइटिंग ख़राब होती है, तो उसी को हम टेस्ट करने वाले हैं और पता चलेगा कि आपकी स्मूथनेस पेंसिल में कितनी है। तो मैं कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसे मैं 15 टाइम बनाऊंगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि पेंसिल का एक्सपीरियंस स्मूथनेस में कैसा है अगर हम जब ज़्यादा राइटिंग करते हैं तो। ये मैंने टोटल 15 टाइम यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना लिया है। अब मैं इसकी स्मूथनेस आपको डॉम्स के सामने कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। चलिए अब मैं डॉम्स में भी 15 टाइम कुछ इस तरह का पैटर्न बना लूँगा, ताकि हम इजीली सिलेक्ट कर सकें कि ज़्यादा राइटिंग करने पे आपको स्मूथनेस कौन सी पेंसिल में मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो ये आप देख सकते हो मैंने स्मूथनेस के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा, ताकि आप इजीली समझ सकते हैं कि ज़्यादा राइटिंग जब आप करोगे तो कौन सी पेंसिल आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि अप्सरा में मैंने यहाँ पे राइटिंग किया है तो पॉइंट काफ़ी पतला है और यहाँ पे आके थोड़ा सा जाड़ा हुआ है और स्मूथनेस काफ़ी बनी रही अपनी जगह पर। एंड डॉम्स की बात करूँ तो डॉम्स में आप देख सकते हो काफ़ी पतला पॉइंट है यहाँ पर, वैसे तो अप्सरा का पतला है लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे डॉम्स में भी पतला है और यहाँ आकर के काफ़ी जाड़ा पॉइंट हो गया है।
और इससे जब मैं राइटिंग कर रहा था तो स्मूथनेस काफ़ी कम हो गई थी, यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ आकर कम हो गई। और इसका जो लीड है यानी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे आके जाड़ा हो गया है, जिससे कि मेरा स्मूथनेस का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बिगड़ चुका था। तो यहाँ पर मुझे अप्सरा विनर लगा। चलिए अब हम डार्कनेस की बात करें, डार्कनेस हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक सेटिंग दे देता हूँ, वैसे मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए डार्क पेंसिल कौन सी है। ये हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया अप्सरा का, एंड हम यहाँ पे करेंगे डॉम्स पेंसिल से शेडिंग। तो देख सकते हो मुझे तो काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको क्या डिफरेंस लगा। तो ये है अप्सरा एंड डॉम्स प्लेटिनम पेंसिल का कंपेरिजन वीडियो। अब आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट पेंसिल कौन सी है। मुझे राइटिंग टेस्ट में डॉम्स आगे लगा, स्मूथनेस में अप्सरा लगा, एंड डार्कनेस में डॉम्स लगा। बाकी आपको कौन सा लगा इस वीडियो देखने के बाद, आप कौन सा पेंसिल लोगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।